स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। अपना फर्ज पूरा किया। मेरी बच्ची तानिशा का ख्याल रखना। मलिक, सॉरी सोनाली, रियली सॉरी। तुम ठीक तो हो ना? मेरी वजह से क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तुम वापस आ गए प्रसाद देने, वही बहुत है। इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं, बस धमकी दी और अचानक से चले गए। वो लोग कौन है प्रसाद? तुमसे क्या चाहते थे? कहीं तुम मेरी जान बचाने के लिए कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? अपनी ड्यूटी से गद्दारी तो नहीं कर रहे ना? मनीषा कैसी हो? सर अपने फादर को सामने मरते हुए देखा है, काफी डरी हुई थी और परेशान थी। फिलहाल डॉक्टर ने उसे दवाई देके सुला दिया है। डॉक्टर से कहना जैसे उसे होश आया मुझे तुरंत इन्फॉर्म करें। मलिक के बारे में कुछ पता चला? सर हेलीकॉप्टर और पायलट की कुंडली हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इतने बड़े कांड के बाद मलिक अभी भी मुंबई में हो? मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मलिक मुंबई में कहीं छुपा बैठा है। पर जितना मैं मलिक को जानता हूँ ना, इस वक्त तो अपने 1200 करोड़ के नुकसान की भरपाई के तरीके ढूंढ रहा होगा। हमें किसी भी कीमत पर मलिक को रोकना होगा। जब तक मलिक हमारी गिरफ्त से बाहर है, मुंबई सुरक्षित नहीं है। मुंबई की सारी पुलिस मलिक को ढूंढ रही है और मलिक उन्हीं की नाक के नीचे। एमएलए फूलचंद के घर में उनका मेहमान बनकर बैठा है। सॉरी, मैं आपको पूछना भूल गया, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? राज कैसे हो सकता है सर? ये घर आपका, ये नौकर चाकर आपके, मैं आपका, वाईफाई आपका, सब कुछ आपका सर। सर वैसे मुंबई में रहने का इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, कुछ खास प्लानिंग है क्या सर? वो क्या है ना फूलचंद, ये राज अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मुझे तुम्हें जान से मार देना पड़ेगा। बताओ? नहीं बिल्कुल मत बताइए सर, नहीं वो तो मेरी जबान ऐसे ही फिसल गई थी। वो सर खाना बनाया आपके लिए, मुर्गा बनाया वेज आदमी के, मैं लगवाता हूँ। तुम मुझे बताओ ना बताओ, पर मेरी छत के नीचे तुम क्या पका रहे हो ये तो मैं पता लगा कर आऊंगा मलिक। मिस्टर हाल, हमारे 1200 करोड़ के ड्रग्स डिस्ट्रॉय कर दिया उस डीसीपी रंजन चितोड़ा ने, और तुम कुछ नहीं कर पाए। अब हमारे मिशन का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है मलिक होगा। रहा हमारे ड्रग्स का सवाल, डीसीपी रंजन ने हमारे ड्रग जुड़ा दिए, हम मुंबई को जलाकर राख कर देंगे। आखिर हमारे मुंबई शहर में चलकर गोली और बम के धमाकों की आवाज से हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सीबीआई ऑफिसर जयंत राम की हत्या कर दी गई। सरकार और पुलिस ने इस मामले में तो चुप्पी साध रखी। जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा चीख चीख कर सवाल पूछता रहूंगा। जिया टेटल किसका? हेलो, साउंड। हाँ मिस्टर हान, अरे सब मैं तो अब हाँ आपसे मिलने की कोशिश ही कर रहा था, देखो आपका फोन आ गया। आज अभी नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं हूँ सर, मैं आ जाऊंगा सर, आ जाऊंगा। हाँ सर, ओके। नेक्स्ट शॉट, चलो साउंड। चितोड़ा अपने देश के लिए हर पल देने के लिए तैयार है, वो चाहे अपनी जान का हो या अपने परिवार का। अंशु, आर यू ओके? अंशु, आर यू ओके? क्या हुआ है? डॉक्टर सर, प्लीज आप लेटे रहिए। अंशु, बेटा कहाँ जा रही हो? नीड टू टच मी। आपका बेटा फिजिकली तो ठीक है, पर इस हादसे का उसके दिमाग पर लगता है बहुत गहरा असर पड़ा है। इन 3 महीनों में मैंने अंशु को जितना खुश देखा है पहले कभी नहीं देखा। वो तुम्हारी वजह से है, तुम्हारा उसके साथ होने की वजह से है। तुम्हें पता है ना हमारे एब्सेंस का उस पर क्या असर पड़ा था। नो डैड, हमेशा की तरह ये भी आपके लिए है। मुंबई आप जाना चाहते तो प्लीज ऐसे मत प्रिटेंड कीजिए कि इट्स अबाउट अस। आई सो विश आप पहले जैसे मेरी जिंदगी में गायब हो गए थे ना, आप वैसे ही गायब हो जाइए फॉरएवर के लिए। जस्ट गो प्लीज। मुझे मैटर करता है कि आप क्या फील करते हैं। आप हमेशा एक पुलिस ऑफिसर ही रहेंगे मेरे साथ डैड की तरह बिहेव नहीं करेंगे कभी भी। बेटा क्या हुआ? कुछ तो मॉम, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। I want to be alone. अंशु, अंशु, अंशु। बहुत गहरे शौक में है। जो भी हुआ उसके साथ नहीं होना चाहिए था। मैं सॉरी कि तुम सब मेरी वजह से। नहीं रंजन, तुम अपने आप को दोष मत दो। हमारे जीवन में जो भी हादसे होते हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। आज अंशु जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम नहीं होते तो पता नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंशु ऐसा सोचता है। जिस हिसाब से वो मेरे साथ बिहेव कर रहा है बच्चा है अंशु। और तुम्ही ने तो कहा कि शॉक में है, उसे थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा अंशु। कॉल ले लो, जरूरी होगा। बस एक वादा करो कि उस मलिक को तुम छोड़ोगे नहीं। उसने जो हमारे अंशु के साथ किया उसकी सजा उसे जरूर दोगे। मैं कल से मीरा को यहाँ भेज रहा हूँ, वो यहाँ पर निगरानी रखेगी। इस हादसे के बाद मैं एक पल के लिए भी तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे इंडिया और मुंबई से बहुत प्यार है। और आपको? बहुत प्यार है सर। पर ऐसा लगता तो नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। मुंबई में रोज टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। कभी पुलिस कमिश्नर का मर्डर होता है तो कभी सीबीआई ऑफिसर का। और आपकी सरकार भी कुछ नहीं कर रही है और ना ही आप कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, हम तो रोज न्यूज पर चिल्ला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, शाउटिंग। आई नो, पर एंड में क्या? जीरो। कुछ चेंज नहीं हो रहा है। और ये टाइम बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत रिस्की है। आपको मुझसे अपने कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए था ना? ये 50 करोड़ का चेक आपका हो सकता है। और ऐसे फ्यूचर में और भी चेक्स मिलते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मुंबई के लिए अपना प्यार और अपना टैलेंट प्रूफ करना पड़ेगा। सर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं आपके लिए। मेरे इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में अगले 24 घंटे के अंदर सीरीज ऑफ अटैक होने वाले हैं। और आपकी सरकार इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। अगर आपको अपने स्टेट्स और अपने ये बिजनेस को बचाना है तो इस सरकार को एक्सपोज कीजिए। इसमें हमारा और आपका सबसे ज्यादा फायदा होगा कि ये सरकार गिर जाए। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था कि आप में बहुत हिम्मत है और आप मीडिया वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, पर लगता है गलत सुना था। सॉरी टू वेस्ट योर टाइम। आप जा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना था मिस्टर हां। अब मैं आपको दिखा दूंगा कि मीडिया की क्या पावर और प्रदीप देसाई में कितना टैलेंट है। लालची बेवकूफ। सर, हमने उस हेलीकॉप्टर के कंपनी के ओनर को हिरासत में ले लिया जिसने मलिक को भागने में मदद की थी। देख, मैं एक बहुत सीधा साधा भोला भाला इंसान हूँ। जो सच सच है वो बता दे मेरे को। मेरा बॉस आएगा ना, तेरे को हेलीकॉप्टर बना के ऊपर छत के ऊपर घुमा के नीचे फेंक देगा। न्यूज चैनल देखता है ना? रंजन चितोड़ा नाम तो सुना होगा। पेशे खिदमत है डीसीपी रंजन चितोड़ा। हेलो रमेश, कुछ बताया इन्होंने? नहीं सर। जगदीश, छत का दरवाजा खुला है क्या? खुला है सर। उठने के लिए तैयार हो जा। बता दो सर, बता दो। सर, मेरी छोटी सी कंपनी है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करते हैं इवेंट्स के लिए। वो आज एक ऑनलाइन बुकिंग आया था किसी चैरिटी इवेंट्स के लिए। मैं जब ड्यूटी पर गया तो किसी ने मेरे सर पर बंदूक रख दी और मुझे धमकी दी कि जैसे वो बोलेंगे वैसे करो। मैं डर गया था। ये देखो, ये आदमी था। हाँ, कहाँ छोड़ा है? वो टाउन में एक खाली मैदान है, वहाँ। इसका मतलब मुंबई में ही छुप के बैठा है मलिक कहीं पे। थैंक यू। इसे ऑनलाइन बुकिंग की डिटेल्स दे लो और पता लगाओ कि मलिक के लिए हेलीकॉप्टर किसने बुक किया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।